नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फायर सेफ्टी एकेडमी में। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है फायर रेजिस्टेंस और फायर रिटार्डेंट। इस वीडियो में हम देखेंगे फायर रेजिस्टेंस क्लोथिंग क्या होती है, फायर रिटार्डेंट क्लोथिंग क्या होती है और इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे फायर रेजिस्टेंस। फायर रेजिस्टेंस क्लोथिंग इज मेड फ्रॉम इनहर्टली नॉन फ्लेमेबल फैब्रिक्स एंड मटेरियल्स। फायर रेजिस्टेंस क्लोथिंग इस तरह के मटेरियल और फैब्रिक से बनाई जाती है जिसका स्वभाव नॉन फ्लेमेबल होता है, जो जिसमें आग पकड़ने के चांसेस नहीं होते हैं। द मटेरियल इज नेचुरली रेजिस्टेंस टू फ्लेम। तो जो फायर रेजिस्टेंस क्लोथिंग में मटेरियल और फैब्रिक यूज किया जाता है उसका नेचर ही फ्लेम रेजिस्टेंस होता है, इस तरह का वो फैब्रिक होता है। दिस टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स में कैच फायर। इस तरह के जो फैब्रिक यूज करते हैं हम फायर रेजिस्टेंस क्लोथिंग में, वो अगर आग पकड़ भी लेते हैं किसी कारणवश, दे विल आइदर सेल्फ एक्सटिंग्यूश, वो अपने आप खुद बुझ जाएंगे, और बर्न एक्सट्रीमली स्लो, या फिर बहुत ही धीरे जलेंगे। तो अगर इस तरह के फैब्रिक से आग पकड़ भी लेते हैं किसी कारणवश, तो वो या तो अपने आप बुझ जाएंगे या बहुत ही धीरे जलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दीज मटेरियल्स एंड फैब्रिक्स इज टू प्रिवेंट द फर्दर स्प्रेड ऑफ फायर। तो जो इस तरह के फैब्रिक्स होते हैं और मटेरियल होते हैं, इनका सबसे मेन फंक्शन जो होता है वो आग को बढ़ने से रोकना होता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है ताकि आग को फैलने से रोका जा सके। फ्लेम रेजिस्टेंस, दिस टर्म इज ए साइनोनिम्स ऑफ फायर रेजिस्टेंस। तो फ्लेम रेजिस्टेंस हम लोग कहीं कहीं सुनते हैं, कहीं कहीं फायर रेजिस्टेंस सुनते हैं, तो आप लोगों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन ज़रूर आती होगी कि फ्लेम रेजिस्टेंस और फायर रेजिस्टेंस में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, दिस टर्म इज ए साइनोनिम्स ऑफ फायर रेजिस्टेंस। तो जो फायर फ्लेम रेजिस्टेंस होता है, ये फायर रेजिस्टेंस का ही दूसरा रूप होता है। इफ़ यू हियर दिस टर्म्स यूज इन अ प्लेस ऑफ फ्लेम रेजिस्टेंस, अगर आप फायर रेजिस्टेंस की जगह फ्लेम रेजिस्टेंस सुनते हैं, या फ्लेम रेजिस्टेंस की जगह फायर रेजिस्टेंस सुनते हैं, या लिखा हुआ कहीं देखते हैं, डोंट बी कन्फ्यूज। तो आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दे मीन एग्जैक्टली द सेम थिंग। फायर रेजिस्टेंस और फ्लेम रेजिस्टेंस दोनों का सेम मतलब होता है, एंड इट इज़ करेक्ट टू यूज़ देम इंटरचेंजेबली, और आप इन्हें एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं और वो बिल्कुल सही होगा। चलिए अब देखेंगे फायर रिटार्डेंट क्या होता है। फायर रिटार्डेंट फैब्रिक्स आर दोज दैट हैव अंडरगोन केमिकल ट्रीटमेंट। तो फायर रिटार्डेंट फैब्रिक वो उस तरह के फैब्रिक होते हैं जिन्हें केमिकल से ट्रीट किया जाता है टू एक्वायर सम ऑफ द सेम प्रॉपर्टीज फ्लेम रेजिस्टेंस फैब्रिक इनहेरेंटली हैव। जिस तरह की क्वालिटी फ्लेम रेजिस्टेंस फैब्रिक रखता है, उस तरह की क्वालिटी फायर रिटार्डेंट फैब्रिक में लाने के लिए उसे केमिकल से ट्रीट करना पड़ता है। मतलब फायर रिटार्डेंट क्लोदिंग में जो फैब्रिक या मटेरियल यूज किया जाता है वो पहले से फ्लेम रेजिस्टेंस नहीं होता है, वो पहले से फ्लेम रेजिस्टेंस फैब्रिक या मटेरियल का यूज नहीं किया जाता है, उसे केमिकल से हम ट्रीट करते हैं ताकि फ्लेम रेजिस्टेंस जो फैब्रिक होता है उसके जैसा स्वभाव उसके अंदर आ सके, वैसी क्वालिटी वो एक्वायर कर सके। एनी टाइप ऑफ फैब्रिक में बी यूज फायर रिटार्डेंट क्लोदिंग के लिए किसी भी तरह के फैब्रिक का हम यूज कर सकते हैं, बट इट इज मस्ट अंडरगो केमिकल ट्रीटमेंट। लेकिन इसे केमिकल से ट्रीट करना पड़ेगा बिफोर इट कैन बी कंसिडर्ड फ्लेम रिटार्डेंट। तो इसे फ्लेम रिटार्डेंट बनाने के लिए केमिकल से ट्रीट करना पड़ेगा, उसके पहले ये फ्लेम रिटार्डेंट नहीं होगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि फायर रिटार्डेंट जो होता है, इसमें किसी भी तरह का फैब्रिक हम यूज कर सकते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ दीज केमिकल प्रोसीजर्स, जब हम फायर रिटार्डेंट फैब्रिक्स को केमिकल से ट्रीट करते हैं, तो इसका रिजल्ट ये होता है कि फ्लेम रिटार्डेंट फैब्रिक्स बिकम सेल्फ एक्सटिंग्यूशिंग। कि जो फ्लेम रिटार्डेंट या फायर रिटार्डेंट फैब्रिक्स होता है, ये इसमें ऐसी क्वालिटीज आ जाती हैं कि आग को ये अपने आप बुझा सकता है, या फिर अगर आग लग गई है तो ये बहुत ही स्लो जलेगा, ये क्वालिटी आ जाती हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको फायर रेजिस्टेंस एंड फायर रिटार्डेंट में अंतर समझ में आ गया होगा। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, फायर रेजिस्टेंस वो होता है जिसमें हम नॉन फ्लेमेबल फैब्रिक्स का यूज करते हैं। ऐसे फैब्रिक्स होते हैं जिनमें जो नॉन फ्लेमेबल होते हैं, जिनमें आग लगने के चांसेस नहीं होते हैं। उसके अपोजिट साइड अगर फायर रिटार्डेंट की बात करें, तो फायर रिटार्डेंट क्लोदिंग में हम कोई भी फैब्रिक यूज कर सकते हैं, बस उसे केमिकल से ट्रीट करना होता है ताकि वो जो फायर रेजिस्टेंस फैब्रिक है उसकी क्वालिटीज को एक्वायर कर सकें। बस इतना अंतर होता है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। जय हिंद।